भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनावी शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तीन फेज में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पहले फेज के लिए 20 अगस्त को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन की लास्ट तिथि 27 अगस्त होगी। वहीं पहले फेज की वोटिंग 18 सितंबर को होगी। इसके अलावा दूसरे फेज के लिए 29 अगस्त को नामांकन की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन की लास्ट डेट 5 सितंबर होगी। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। इसी प्रकार तीसरे फेज के लिए 5 सितंबर को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन की लास्ट डेट 12 सितंबर होगी। वहीं तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वहीं विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 4 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा। बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक फेज में ही होगा। हरियाणा में 5 सितंबर को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 12 सितंबर होगी। वहीं वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी 4 अक्टूबर को ही डिक्लेयर किया जाएगा। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने जा रहा है। यानी हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों पर पिछला विधानसभा चुनाव वर्ष 2019 में हुआ था। तब चुनाव आयोग ने 27 सितंबर को चुनावी नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की थी और 4 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए गए थे। वहीं 7 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की तिथि थी, जबकि 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 21 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती की गई थी और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था।